अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सिविल इंजीनियर बिलाल जफर आपको बिलाल जफर शो में खुश आमदीद कहता है। हाल ही में मैंने एक अलमारी और दरवाजों की वीडियो अपलोड की थी, आप लोगों ने बहुत पसंद की, तो वहां पर तो आपको रेट पता चले ही थे। एक और घर में आया हूँ और वहां पर भी लकड़ी का काम हो रहा है। आपको दिखाता हूँ किस किस्म का काम है और कारपेंटर की क्या राय है इस काम के मुताबिक, ऐसा काम कितने में हो जाता है, सब कुछ आपको पता चलने वाला। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि आज का लाइक टारगेट है 2000 लाइक्स का। 2000 लाइक्स हो गए फिर भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, साथ ही कारपेंटर का इंटरव्यू भी होगा। सब्सक्राइब कीजिए बिलाल जफर शो को इलेक्ट्रॉनिक्स कंस्ट्रक्शन और टेक अपडेट्स के लिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को बेहतरीन इंफॉर्मेटिव वीडियोस और व्लॉग्स वक्त पर देखने के लिए। यहाँ पर किचन कैबिनेट्स बनाए जा रहे हैं, पहले मैं आपको डिजाइन दिखा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। ये कैबिनेट्स सारे आपने बनाए हैं, कौन सा मटेरियल है? आजकल ग्लॉस की ज्यादा बन रही है। कौन सा? जो नॉर्मल चल रहा है। नॉर्मल चल रहा है, इसका क्या खर्चा आ जाता है? सर ये अभी दिन ब दिन जो है ना ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं आ। अच्छा, आज लेंगे तो इस मटेरियल का खर्चा कुछ और है, कल लेंगे कुछ और होगा। अच्छा, आज का क्या है? आज का तो इस पे अगर देखा जाए तो कम से कम ये जो एक पर शीट है वो 1900 रुपए में होगी। अच्छा ठीक है, और लकड़ी जो है वो ये जो आगे लग रही है जी, ये अगर आप देखेंगे तो ये 3500 रुपए या 3700 रुपए मिल रही है। अच्छा ठीक है, बंडल होता है, इसमें 10 पीस होते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये एक किचन में कितनी शीटें और कितने ये बंडल लग गए हैं? सर ये जगह के हिसाब से होता है। ये कितनी जगह है? ये जो जगह है इसमें ये वाली जो शीटें ये दो लग रही है। दो शीटें लग रही है, ये लकड़ी का पूरा एक बंडल लग रहा है। एक बंडल में कितने होते हैं पीस? 10 पीस होते हैं। 10 पीस होते हैं। अच्छा, दो शीटें वो लगी हैं और 10 पीसों वाला एक बंडल ये लगा। अभी तक जो है ये लगी है। हाँ, अभी आगे और लगे, अभी आगे मजीद ये पल्ले लगेंगे, वो भी इसी मटेरियल के लगेंगे? नहीं, वो और मटेरियल है, वो 2800 रुपए की शीट है, 2900 रुपए की। ऊपर भी आपने ही काम किया हुआ है? चलिए ऊपर जाके हम दिखाएंगे भी व्यूअर्स को कि किस तरह का काम है। साइज क्या है कैबिनेट का? ये जो है ना ये नापे, ये इधर से हम ये चीज देखते हैं, ये 20 इंच है, उसके स्टार्ट से लेके इधर तक 21 इंच है। और गहरा कितना है? गहराई इसकी है इस वक्त 28 है, लेकिन ये स्टॉप से लेंगे ना जमीन से, हाँ, ये 33 इंच तैयार हो जाएगी। 33 इंच तैयार हो जाएगी। व्यूअर्स आपको गहराई लंबाई चौड़ाई सारा हो गया, ये भी जरा नाप लें यहाँ से उधर तक कितना है। नहीं नहीं, ये तो जगह के, ये तो जगह के हिसाब से ठीक है। और ये ऊपर वाला नापे, ये कैबिनेट क्या स्टैंडर्ड साइज होता है? स्टैंडर्ड साइज दोस्तों आप देख लें, ये 30 इंच है यानी कि 2.5 फुट। और उसके अलावा ये यहाँ से यहाँ तक का फासला कितना है, ये भी नाप दें? ये 24 इंच दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए कि कितना वर्किंग स्पेस आपको रखनी चाहिए, बिकॉज ये स्टैंडर्ड साइजेस है और ये 2 फुट है, 24.5 इंच है। तो ये आपको स्टैंडर्ड साइज पता चल जाता है, यहाँ से आपको सारे किचन कैबिनेट्स के साइजेस आपको पता चल गए, रेट्स आपको पता चल गए, आपको पता चला अभी तक कितनी शीट्स लगी। ये अलमारी भी आपने बनाई है, वो इस तरह की अलमारी कितने में बनती है? अलमारी है इसमें कम से कम अभी तक ये 5 शीटें लग चुकी है, यही वाली 5 शीटें अभी तक लग जाए। 1900 की शीट है, 1900 की एक शीट है ना, तो 5 शीटें। अच्छा, ये बारीक प्लाई पीछे की तरफ लगाई हुई है प्लास्टर के ऊपर, ये देखें व्यूअर्स, ये इसकी थिकनेस है कितनी, ये 3 4 mm है, 5 mm इसकी थिकनेस है ठीक है। ये इसके पीछे जो लगी है, ये बैक साइड पे लगती है ताकि, ये भी 3 शीटें लग चुकी है। अच्छा, ये भी 3 शीटें लग चुकी है। तो दोस्तों आपको एक नया डिजाइन भी अलमारी का यहाँ से मिलता है, अगर आपको पसंद आती है तो ये इस किस्म की अलमारी भी आप बनवा सकते हैं। आप देखिए ऊपर 3 शेल्व्स हैं, उस तरफ भी 3 शेल्व्स हैं, इधर एक मेन है, फिर आप टीवी की स्पेस आ जाएगी, नीचे काफ़ी बड़ी स्पेस रखी गई है। तो चलिए मैं आपको ऊपर लेकर चलता हूँ। दोस्तों आए मैं आपको ऊपर वाला दिखाता हूँ, ये आप मलेशियन डोर्स भी देख लीजिए। डोर्स के मुतालिक एक मुफसल वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, उसमें आपको सारे रेट्स वगैरह भी पता चल जाएंगे। अभी दिखाने का मकसद ये है कि अगर आप ये डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं तो कैसा लगता है। चलिए मैं आपको मास्टर बेडरूम की अलमारी दिखाता हूँ, अलमारी के मुतालिक भी वीडियो पहले बन चुकी है जिसमें उसके सारे खर्चे की डिटेल है। अभी दिखाने का मकसद ये है कि अगर आप ब्राउन कलर चूज़ करते हैं तो कैसी फिनिश लुक आती है। ये देखिए फिनिश अच्छी है, साइज़ तो स्टैंडर्ड ही होता है और ब्राउन कलर चुना गया है। नीचे जो अलमारी बन रही थी उसकी फिनिश लुक मैं आपको दिखाता हूँ, वो ये है, ये देखिए बड़ी प्यारी ग्रे कलर में अलमारी बनी है। और ऊपर भी लेफ्ट साइड में 3 कैबिनेट्स है, राइट साइड में 3 कैबिनेट्स है, नीचे सारे स्टोरेज स्पेस है, मिडिल में टीवी आएगा। कुछ लोग खर्चा बचाने के लिए टीवी लाउंज में अलमारी नहीं बनाते, लेकिन बाद में अगर आप किराएदार रखते हैं तो अक्सर उनकी डिमांड होती है कि हमें टीवी लाउंज में अलमारी बना कर दें, तो बेहतर है कि आप शुरू से बना लें। ऊपर आप देखें जो नीचे किचन बन रहा था उसी की फिनिश लुक आपको ऊपर मिलती है, ब्राउन और वाइट का कॉम्बिनेशन रखा गया है और ऊपर से डक्ट निकाली गई है जो एग्जॉस्ट फैन तक जा रही है।
ताकि घर का सारा धुआं और स्मेल्स बाहर निकाली जा सके। तो देखिए ये फाइनल कलर्स हैं, ब्राउन और वाइट में अगर आप कॉम्बिनेशन देते हैं तो इस किस्म का आपका किचन बनता है। साइजेस मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं, नीचे वाले किचन में हमने मेजरमेंट्स ली थी तो वही स्टैंडर्ड साइजेस हैं और उन्हीं को फॉलो किया गया है ऊपर भी। तो आपको साइजेस पता चल गए, डिज़ाइंस पता चल गए, बाकी अब आपकी चॉइस है कि आप ब्राउन और वाइट का कॉम्बिनेशन रखते हैं या सारा वाइट रखते हैं। आमतौर पर आजकल लाइट कलर्स ज़्यादा सेलेक्ट किए जा रहे हैं क्योंकि जितने लाइट कलर्स आप सेलेक्ट करते हैं उतना घर बड़ा बड़ा लगता है, खासतौर पर छोटे घर जैसे 5 मरले के घर होते हैं, अगर आप उनमें लाइट कलर्स चुनेंगे तो ज़्यादा अच्छी लुक देंगे। अभी ये दरवाजे देखें, ये रेडी हैं पॉलिश के लिए और इनमें नेचुरल बेज, लाइट बेज कलर रखा गया है, तो ये काफ़ी ट्रेंडी है, आजकल इन है। पिछले कुछ सालों में डार्क कलर्स ज़्यादा ट्रेंडी थे, ज़्यादा इन थे, लेकिन अब लोग लाइट कलर्स की तरफ भी आ रहे हैं। मैंने अक्सर घरों में देख रहा हूँ कि लोग लाइट कलर्स पसंद कर रहे हैं दरवाज़ों के लिए भी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपको किचन के कैबिनेट्स के साइजेस पता चले होंगे और आपको ठीक ठाक अंदाज़ा हो गया होगा कि आपने किस किस्म की अलमारी बनानी है। वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए और देखते रहिए बिलाल ज़फ़र शो। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।